राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सकों ने अंगदान के महत्व को समझाते हुए त्वचा, गुर्दा व लीवर आदि अंगों के दान की तकनीक व उसकी आवश्यकता पर बल देते हुए जनहित में अंगदान करने हेतु जागरूक किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दुर्ग शाखा की पहल पर JLN हॉस्पिटल सेक्टर 9 भिलाई, नव दृष्टि फाउंडेशन, सामाजिक संस्थान एवं आरोग्यम अस्पताल ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर जटार क्लब दुर्ग से नाना नानी पार्क तक रैली निकाली और नारे लगाकर आम जनों के मध्य जागरूकता लाने अभियान चलाया। आज अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेक्टर 9 हॉस्पिटल नौ दृष्टि फाउंडेशन के द्वारा एक जागृति कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कौशलेन ठाकुर जी, डॉक्टर उदय कुमार जी। इस मौके पर दुर्ग के नाना नानी पार्क में उपस्थित प्रकृति प्रेमियों व प्रातः काल में भ्रमण करने वाले नागरिकों को शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सकों ने सम्बोधित किया एवं अंगदान के महत्व को समझाते हुए त्वचा, गुर्दा व लीवर आदि अंगों के दान की तकनीक व उसकी आवश्यकता पर बल देते हुए जनहित में अंगदान करने हेतु लोगों से आह्वान किया। ये अंगदान महादान महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल, IMA दुर्ग और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पॉसिबल हो सकता है। इसमें लोगों को हमारा मानना है कि लोगों को जितनी जागरूकता आएगी उतना ही लोगों का भला होगा। पहले एक समय ये भी था जब लोग खून भी नहीं दिया करते थे, अपने परिवार वालों को रक्त भी नहीं दिया करते थे और जिसके लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो अभी ये नौबत आ गई है कि अब हमें रक्तदान के लिए कहीं बहुत ढूंढना नहीं पड़ता। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह बाकी अंगदान में भी लोगों की जागरूकता आए। किडनी ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, ये आई में रेटिना, ये सब चीज़ें सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई में यहाँ हो रही हैं और धीरे धीरे अंचल में सारी सुविधाएँ इस दुर्ग भिलाई क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। हमारा सेक्टर 9 अस्पताल का स्किन बैंक छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक है जो सर्टिफाइड है, और हमारे यहाँ बर्न यूनिट डॉक्टर उदय कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध मैने के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय कुमार जी जो छत्तीसगढ़ के सुविख्यात बर्न स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस जन जागरूकता अभियान आप लोग जो कर रहे हैं, ये इसका जो है उद्देश्य बताएंगे। सर, इसका उद्देश्य मोस्टली अंगदान को प्रोत्साहित करना है, और एज ए स्किन बैंक और बर्न यूनिट का इंचार्ज होने के कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी लोगों ने स्किन दान दी है। उसमें मेडिकल फैटर्निटी के डॉक्टर्स लोग भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों की स्किन दान दी है मृत्यु के पश्चात, और उससे कई मरीजों को जीवन दान मिला है। तो स्किन एक ऐसा कवरिंग एजेंट है जो दूसरे मरीज घाव को पकने नहीं देता, उसके प्रोटीन लॉस को बचाता है। तो अगर जितना ज़्यादा स्किन दान करेंगे तो वो नहीं तो मरने के बाद खा के ही होना है वो देह को, वो जाते जाते किसी दूसरे को जीवन दान दे जाते हैं। ये यही मेरा निवेदन लोगों से रहेगा कि स्किन दान को और प्रोत्साहित करें। थैंक यू। इस मौके पर राज्य IMA के पूर्व अध्यक्ष शरद पाटनकर ने बताया कि अंगदान से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ होने लगा है एवं आधुनिक तकनीक से मृत्यु उपरांत त्वचा व आंखों के दान से अनेक गंभीर व जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिल रहा है। दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल में प्रथम गुर्दा प्रत्यारोपण होने पर इसे बड़ी उपलब्धि बताया। जनौ अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनके अस्पताल में बर्न विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उदय कुमार व डॉक्टर अनिरुद्ध मीने के नेतृत्व में त्वचा बैंक का संचालन नियमित व सुचारू रूप से किया जा रहा है। अभी आप लोग देखा, जैसे आयोजन में रैली की जा रही है, स्किन डोनेशन है वो 18 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं, वो 100 साल का व्यक्ति भी स्किन डोनेशन कर सकता है। और स्किन की जो जितनी थिकनेस रहती है उसका एक भाग का आठवां भाग हिस्सा केवल ऊपर की चमड़ी निकाली जाती है, हमारी पीठ की, जांघ की और पैर की चमड़ी निकाली जाती है, और इसको एक बार निकालने के बाद 5 साल तक हम लोग सेव करके रख सकते हैं। पूरे भारत में हर साल 70 लाख लोग बर्न का शिकार होते हैं, जिसमें 80% महिलाएँ होती हैं और बच्चे होते हैं। अगर 40-50% तक ज़्यादा जल गया है तो उसको स्किन डोनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर स्किन डोनेशन ना किया जाए तो उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होना, स्कार होना या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि स्किन डोनेशन या अपनी त्वचा का डोनेशन जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। इस दौरान
वरिष्ठ बर्न विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार ने जनता से आह्वान किया कि त्वचा दान करने अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बर्न के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी मददगार साबित होता है। इस दौरान आईएमए के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय गोवर्धन ने अंगदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय योगदान हेतु दुर्ग नगर निगम के नवदृष्टि फाउंडेशन के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस दौरान आईएमए दुर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर राजू भौसारी, सचिव डॉक्टर टी के पांडे व संतोष नसीने ने वरिष्ठ वन विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार व उनकी त्वचा बैंक की टीम को तथा गुर्दा रोग प्रत्यारोपण में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु आरोग्यम अस्पताल के डॉक्टर आर के साहू व नवीन दारुका को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।